You know I'm one of a kind, or so if and don't. No matter where we go, I know we're gonna make it. No matter where we go, I know we're not alone. We face it all, cause now we know that we can take it. We face it all, cause we go. दोस्तों, मेरा नाम है मिथुन दास और स्वागत करता हूँ MD फिटनेस को। दोस्तों, हम आपको बताए थे कि हम यहाँ पे लंबोदरा हाई स्कूल में पुलाव बार और पालर बार बनाने वाले हैं। तो ये बन चुका है, अभी बन चुका है। इसका प्रोसेस क्या रहा, कितने एमएम का हम ये रड लाए और कितने एंगल में हम काटे, आपको इस वीडियो में दिखाएंगे आपको। तो एक एक करके हम देखते हैं और आप अपनी घर के पीछे या आगे भी आप कर सकते हैं। आपका फिजिक्स अच्छा बनाना है तो बड़ी का, और फिट रहना है तो ये करे। दोस्तों, जब भी आप रॉड लाने जाएंगे, रॉड लाने के बाद आप कितना रॉड लाना है ये हम बता देंगे आपको। देखो, ये पुल अप बार के लिए हम जो हमारा जो मिट्टी के ऊपर जो हाइट रहेगा वो जो रॉड का वो रहेगा 7.5 फीट, और मिट्टी के नीचे रहेगा 1.5 फीट, दोनों साइड रहेगा, और ये ऊपर का डिस्टेंस रहेगा 5 फीट। ठीक है, ये पुल अप बार हो जाएगा। ये आसपास हमारा 23-24 फीट आ जाएगा। ठीक है, और एक रॉड का फीट आता है 20 फीट, तो हमको 4 रॉड लाना है। इस 4 रॉड लाएंगे तो हम पुल अप बार और पार्लर बार बना पाएंगे। ये पार्लर बार में ये देखिए, ये जो हाइट है, ये हाइट मिट्टी के ऊपर रहेगा 5 फीट और मिट्टी के नीचे रहेगा 1.5 फीट। तो ये चारों ऐसा ही रहेगा, और ये इसका डिस्टेंस रहेगा 5 फीट, इधर का 5 फीट, इधर का 5 फीट। इसे आसानी से आप बना सकते हैं। आगे देखते हैं हम अभी पहुंच चुके हैं एक लोहा के दुकान में। यहाँ पे हम पुल अप बार के लिए और पार्लर बार के लिए कौन सा मटेरियल सही रहेगा ये हम अभी देखेंगे। और 3 mm का रॉड लगेगा। ये देखो, ये मिल गया है 3 mm का रॉड। ये सही रहेगा। ये देख रहे हम, ये वेल्डिंग मशीन के दुकान में दिए थे, अभी ये वेल्डिंग हो गया है। ये देखिए, ये नीचे भी हम वेल्डिंग करी हैं और ये एकदम रेडी है। ये पार्लर बार, दोनों पार्लर बार है, और पुल अप बार देखते हैं। चलिए, ये देखिए, ये पुल अप बार भी रेडी हो गया है हमारा, और अभी हम तैयार हैं इसको लेने जाने के लिए घर में। हम पहले से ये मेजरमेंट बता दिए थे वेल्डिंग मशीन वालों को, तो वो बना दिए हैं। हमारे रूम के पास ही वेल्डिंग मशीन दुकान है, तो हमारे बच्चे इसको लेके आ रहे हैं। अभी ये हम अभी लेके जाएंगे, लाने के बाद इसको थोड़ा फिनिशिंग कर देते हैं। वो फिनिशिंग करने के बाद हम इसको ऊपर कलर लगाएंगे, क्योंकि जंग ना लगे। अभी आपको जो कलर पसंद है उस कलर लगा सकते हैं आप। कलर लगाने के बाद आपने इसको गाड़ देंगे। उसके बाद वो मिट्टी के नीचे हम 1.5 फीट अभी इसका माटी निकाल लेंगे। ये देखिए, ये हो गया है। अभी ये रेडी कर रहे हैं हमारे बच्चे। फिर ये मिक्सिंग हो गया थोड़ा हमारे कंक्रीट के लिए, मिक्स कर देंगे अभी हम। ये पुल अप बड़ी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा है, और जितने भी डिफेंस लाइन में जाना चाहते हैं ये तो ज़रूरी है, क्योंकि वो 10 पुल अप आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा वहाँ पे। पुल अप कैसे मारते हैं ये हम पहले से भी वीडियो बना चुके हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में हम वीडियो को लिंक दे देंगे। और अभी एक झलक दिखाएंगे हमारे बच्चे कैसे पुल अप मारते हैं। ऐसे ही आपको 10 बार लगाना पड़ेगा आप पुल अप आर्मी में क्वालिफाई करने के लिए। तो क्यों ना हम अभी से प्रैक्टिस करें, और आगे जाके हमको उतना भी परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, और आराम से हम क्वालिफाई करें। फिजिक्स अच्छा रहेगा तो हम आराम से क्वालिफाई कर पाएंगे ना। अभी ये पुल अप दिखाएं, अब पल्लल बार देखेंगे। आ जाओ, अभी ये पल्लल बार क्या है, आपको ये जो शोल्डर का स्ट्रेंथ बढ़ाने में आपको
हेल्प करता है और ये ट्राइसेप वगैरह बढ़ाने में हेल्प करता है। पालल बार आपको आपका ये जो शोल्डर का जो बाइसेप ट्राइसेप है वो बढ़ाने में आपको हेल्प करता है और आप जितना भी स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपको हेल्प करता है। तो अभी हमारे बच्चे वो कैसे पालल बार को मारते हैं देखते करके दिखाएंगे। अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं तो जरूर ये आप अपने घर के पास आप बना सकते हैं। आप प्राइस भी इतना कम है, आप खुद बना सकते हैं, तो बनाएं और आप अपनी बड़ी बनाने के लिए लग जाएं। थैंक यू, धन्यवाद।